सारे का सारा योगर्ट आ गया जी पैन के अंदर, और अब हम ये वाला स्पैचुला जो है यूज करके उसको पकाइए। अच्छा, हमने इसको कितनी देर तक रिड्यूस करना है? हमने जब तक करना है जब तक उसका ब्राउनिश कलर आ जाए, लाइट कलर, क्योंकि अगर आप योगर्ट का अपना ही कितना टेस्ट होता है फ्राई करेंगे ज्यादा तो वो उसका ओवर कुक करेंगे तो नहीं सही। अच्छा ईशा, मैं थोड़ा सी क्लियरेंस कर देता हूँ, उसके बाद हमने इसको करना है सर्व, ठीक है? अच्छा जी, तो हमारे पास प्लेटर भी आ चुका है और मक्खन इसमें थोड़ा अगर और ऐड करना चाहे मतलब थोड़ा सा ज्यादा तो कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसको एक स्पून किया तो दो तीन स्पून अगर करना चाहे उसको बटरी बनाने के लिए बच्चे आप कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत लिक्विडी हो जाएगा। अगर आपको चावल के साथ खाना है राइस के साथ तो वो सही रहेगा कि आपके लिए एक ना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी, राइट? लेकिन अभी के लिए तो अभी के लिए ऐसे ही ठीक है जी। और ईशा जो है उनके मैं बारे में आपको खास बता दूं, जो मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक आप बताऊंगा, बल्कि वो ईशा मैं खुद बता दूं ज्यादा बेहतर है। अच्छा ईशा, आपका नेशनल असेंबली कैसे जाना हुआ? बड़े बड़े लोग जिंदगी गुजर जाती है, पाकिस्तानी नेशनल मर जाते हैं, नेशनल असेंबली नहीं जा सकते, आपका जाना कैसे हुआ नेशनल असेंबली? मेरा जाना ऐसे हुआ कि मैंने एक एमयूएन में पार्ट लिया था, ठीक है, और उस एमयूएन में हुआ ये था कि आपको स्पीचेस देनी होती है आपको। अब मेरा जो कमेटी थी वो थी गवर्नमेंट के बारे में, हमारी जो है कि हमारा मुल्क का हालात क्या थे, तो उसके तहत सेंसरशिप ऑफ यूट्यूब, तो उसके लिए हम लोग वहाँ नेशनल असेंबली गए थे। तो जिससे हमारे जो पीसी में हुआ था वो उसमें बिल्कुल ऐसा था कि हम लोग नेशनल असेंबली में बैठे हैं और हम सब सवाल पूछ रहे हैं और यहाँ हमें कुछ स्पीच देनी है वो। तो हम लोग नेशनल असेंबली गए थे, वहाँ पे हम बैठ के हमसे पूछा गया था सब कुछ। उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो ने भी स्पीच दी थी और उन्होंने बख्तावर भुट्टो ने भी दी थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ओके जी, तो ये छोटी सवाल में काफी सारे काम कर चुकी है जी। मैं किधर गया हूँ वाला, मैं अभी सिर्फ क्योंकि दोस्ती बना रहा हूँ, मुझे नेशनल असेंबली के साथ बाहर गया जी। छोटी सी उम्र में अच्छी इसकी अचीवमेंट्स है और सॉस हमारा मुझे लगता है कि रेडी हो चुका है। और अब हमने क्या करना है कि इसको अब हम तकरीबन हो चुका है रेडी जी सॉस, ठीक है जी। इस सॉस हमारा कलर बहुत अच्छा है, ब्राउनिश कलर है और ये और बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप अगर इसकी बनाना चाहते हैं क्वांटिटी तो आप योगर्ट और बटर और ऐड कर सकते हैं इसमें और इसको ज्यादा ग्रेवी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया सारी सॉस रेडी, अब हम चलते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो इसको आप प्रेजेंट कैसे करोगे? ये हमारे पास बहुत अच्छा सा वो है, अब हम ये चलेगा कटर। ओके ठीक है जी, ये कटर रिंग कटर इसको हमने ले लिया और इसके अंदर आपको राइस डालने हैं। अच्छा, राइस के लिए आपको स्पून चाहिए एक बड़ा वाला, ठीक है जी। तो ये है जी, बहुत ही अच्छे राइस बने हैं, बहुत ही जबरदस्त राइस बने हुए हैं। और एक राइस की एक होती है कि अगर आप इसमें ऑयल या घी डाल देना तो और भी मजे का, और अगर आप उसको बॉईल कर रहे हो ना जब वो करते हैं तब उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल लेना तो उसकी वजह से ना ये एक दाना ना जुड़ता नहीं है, खिल जाते हैं चावल, खिल जाते हैं जी चावल अगर आप विनेगर डालें तो। ये विशेष टिप्पणी आपको दी है आज हमारी छोटी सी वन एंड ओनली वन ओनली ईशा मलिक ने। और राइस को जी रिंग कटर में ला रही है बड़े ही सलीके के साथ, उनको अच्छे से सेट कर रही है। आप उसको अच्छे से प्रेस करें, मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, तो वो सही से स्टिफ हो जाएंगे और फिर थोड़ी देर के बाद आप रिंग जो है वो हटा सकते हैं। अब आप मुझसे सवाल पूछते रहते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ। अच्छा जी, आपने जब अपनी पहली डिश बनाई थी तो वो क्या थी? अच्छा, मेरी पहली डिश की जो मेमोरी है ना वो बहुत पुरानी है। जैसे तुम्हारी छोटी उम्र में थी तब मैं शेफ नहीं बना था और ना मैंने कुकिंग से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। तो जब मैं पढ़ता था लाइक यू स्टूडेंट था तुम्हारी तरह, तो क्या होता था कि मेरे फर्क ये था कि जब घर में सब लोग माश की दाल पकती थी और माश की दाल खाते थे रोटी के साथ, तो मैं क्या करता था कि मैं ब्रेड लेता था, ब्रेड के ऊपर बटर लगाता था और उस ब्रेड को तवे पर टोस्ट करता था, फिर उसके अंदर मैं वो माश की दाल को यानी कि उसको स्प्रेड करके जैसे चिकन स्प्रेड होता है स्प्रेड करके उसका सैंडविच बना के खाता था माश की दाल का। मजेदार, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था कि मैं भी मेरे दिमाग में आ गया। यही होता है अगर आप कोई नई चीज इन्वेंट कर रहे हो ना तो आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो, लेकिन जब वो बनती है तो आप बोलते वाह 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 क्या चीज बन गई। तो इस तरीके से फिर मुझे जब पता लगा कि मेरे अंदर ये जरासीम है, मेरे अंदर वो बैक्टीरियाज मौजूद है जो कुकिंग के वाले हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मेरा फिनिश्ड माय ग्रेजुएशन। तो फिर मुझे लगा कि मुझे एक कोर्स करना चाहिए इससे रिलेटेड कुकिंग से, और फिर मैंने कोर्स किया और फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की और फिर उसके बाद आज आफ्टर 14 इयर्स आई एम स्टैंडिंग हियर वर्किंग प्रोफेशनली और अपने मुल्क की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ।
और इतनी अच्छी खिदमत है कि लोग पेट के लिए कत्ल करते हैं, ये बहुत जुराइम करते हैं और हम लोग ये कर रहे हैं तो बहुत उनको खाना पकाना सिखा रहे हैं कि वो अपना पेट भर सके। ये जो है मैं इसको थोड़ा सा जूस इसमें ऐड कर दूँ, वो चिकन का है ताकि सॉस और ज्यादा मजेदार हो जाएगी। और अब आपने क्या करना नेक्स्ट स्टेप? अब इसको हम उठाएंगे, इसको हम एंड में डालेंगे, पहले हम चिकन लगा देते हैं। चिकन ताकि इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? टोंग। मेरा टोंग कितने गया भाई? मेरा टोंग जो है ना वो नहीं है, हम इससे कर सकते हैं, मैं मंगाऊं टोंग। अच्छा जी, इसको हम चिकन को ओके, चिकन हम लगा रहे हैं अच्छे तरीके से। आपने चिकन को प्लेस कर देना है। इसका कलर कितना खूबसूरत है, और जब आप अगर आप लोग देखते तो आपको स्मेल आती है इतनी मजेदार किस्म की। और जी ये चौथा चिकन ब्रेस्ट भी जो है स्लाइस उसका फिले आ चुका है, और इसके बाद अब मेरे ख्याल से सॉस जाएगा इसके ऊपर। नहीं लेकिन आप पहले इसको करके ना, अच्छा उसके साइड पे करेंगे ताकि थोड़ा ना राइस। ठीक है ठीक है, जैसे आपको करना है आप करो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही प्यार से आपने राइस को निकाल लेना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके जी, अब जो है होल सॉस के पास स्पून चाहिए आपको, वैसे आप डालो। ठीक है, ओके। तो जनाब अली, इसके ऊपर आपने इस तरीके से सॉस जो है उसको पोर कर देना है, ठीक है, चिकन के ऊपर। और आप इसको देखिए, इसकी इतना अच्छा कलर है, जबरदस्त सॉस का भी और चिकन का भी दोनों का परफेक्ट, ब्यूटीफुल। और बोलते हैं कि तो दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन खाना तो खाना कभी कभी परफेक्ट हो जाता है। वो कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर परफेक्शन, लेकिन कभी कभी खाना इतना मजेदार बनता है कि आप सोचते हैं कि इसके बाद मैं और कुछ नहीं खाऊंगा। ये जो फ्लेवर था ना टेस्ट लास्ट था। बार कैफ जी, इसके ऊपर अच्छे से सॉस ड्रिजल कर दिया है ईशा ने, और अब इसके ऊपर आप कुछ गार्निश करना चाहती हैं? क्या आप क्या चाहिए, धनिया या मिर्ची, क्या चीज चाहिए? इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया जो है ईशा ने गार्निश कर दी है हल्का सा, और मैं अपने आप देखे इसके अंदर शेफों वाला स्टाइल है, तोड़ के उसमें इसके ऊपर लगा दिया, चॉपिंग वॉपिंग करने वाला स्टाइल। ये जरा हाथों का जो काम होता है ना वो छुरी उड़िया से नहीं होता, इस डिश को मैं पा करके यहाँ। अच्छा हाँ देखिए, ये मैं कह रहा हूँ ये कुछ ना कुछ भूल रही है, और ये टिश्यू से आप इसको थोड़ा सा क्लीन कर लें। मैं भी ऐसे ही करता हूँ जो खाना बना के प्रेजेंट करता हूँ, तो आपकी जो प्लेट है वो नाइस साफ साफ नीट एंड क्लीन। वैसे भी खाने वालों को गंद तो बनाना ही है, गंद तो बनाना ही है इसमें खाने वालों को। ये देखिए इसका वो फिल बड़ी जो इसके जवाब होते हैं वो बड़े मजेदार किस्म के हो गया जी। परफेक्ट, ओके जी परफेक्ट। और इसको हम अभी रख देते हैं यहाँ आगे, और अब आपके सवाल बटर चिकन स्टेक विद राइस रेडी। सवाल आपका टाइम इतना मैंने छोड़ा ही नहीं, फिक्र ही ना करो, मुझे टाइम ही कम छोड़ा है कि तुम ज्यादा सवाल मुझसे, अगर एक सवाल तुम मुझसे पूछो, इतना टाइम है, एक सवाल जल्दी से पूछो। आप आपकी मम्मा क्या कहती हैं आप जो खाना बनाते हैं? मेरी मम्मा और मेरे बाबा जो है वो बड़े खुश होते हैं, और उनको वो आपको देखते हैं, वो मुझे देखते हैं, उनको फख्र होता है कि मैं उनका और अपने मुल्क का नाम रोशन करता हूँ। बाहर जब भी जाता हूँ, जगहों पे लोगों से मिलता हूँ, कुकिंग करने जाता हूँ, तो उनको और उनकी जो फीलिंग है वो ना वो लफ्जों में बयान कर सकते हैं ना मैं बयान कर सकता हूँ। इट्स द अल्टीमेट फीलिंग। अच्छा, तुम अपनी नानकों को पंजाबियों को मैसेज देना चाहती हो, दादों को जो कि भाई तुम जो है वो जो है आज तुम्हारा शो देखेंगी, तो फिर वो क्या तुम कहना चाहती हो उनसे? मैं जो भी कहना चाहती हूँ बिंदास इस वाले कैमरा में। तुसी बहुत चंगे हो जी, इसने सारी की सारी बात जो है ना वो खत्म कर दी है। ईशा ने कहते हैं कि तुसी बहुत चंगे हो और आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। ईशा, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपने इतनी मजेदार सक्यूलेंट जूसी चिकन वाली डिश बनाना सिखाई। और ये शो का टाइम हो रहा है खत्म, हम ईशा को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर कोई मैसेज देना चाहती हूँ यंग लोगों को जो कुकिंग सीखना चाहते हैं, तो दे सकती हो आप? डू वॉट योर हार्ट से, डू वॉट योर हार्ट सेज, जी अपना दिल जो कहता है वही करे। मुझे और ईशा को आज की शो से इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ एक्साइटिंग किस्म का शो लेके। तब तक के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना, अपने प्यारों का और अपने प्यारे से मुल्क पाकिस्तान का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मुझे, मेरी टीम को, हमारे चैनल को अपनी दुआ में रखना है। कल मिलेंगे जी, तब तक के लिए डू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।
Thank you.